Hello guys, welcome to my new video. आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए हम लोग कल के वीडियो में देखे थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चीज़ें आज भी देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान और कल के वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा और आपको यूपी पुलिस या ऑल वनडे एग्जाम में कम से कम दो तीन नंबर अगर यूपी से कुछ क्वेश्चन फंसते हैं तो उसमें से आपको जरूर मिलेंगे ठीक है तो प्लीज़ कंसनट्रेट होकर के पूरे वीडियो को देखिएगा और हम लोग लास्ट में कल का वीडियो का जो मैंने पढ़ाया था उसको रिविजन करवा देंगे ठीक है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो कहाँ पर है कानपुर में है ठीक है भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है तो लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन पूछे ठीक तो है? है, उस है तो वो कहाँ है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है ठीक है केंद्रीय उष्ण उस पोषण कटुबंधी बागानी संस्थान कहाँ है तो वो लखनऊ में है राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान तो कानपुर में है याद रखिएगा कानपुर में है क्योंकि अभी देखिए गन्ना है वो लखनऊ में है और सरकरा पूछेगा तो कानपुर में लोग सोचेंगे गन्ना सही तो सरकरा बनता है तो आ, सब लखनऊ लगा देंगे लेकिन नहीं ये कानपुर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आईआईटी आई वाराणसी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बी में है ठीक है लक्ष्मी लक्ष्मी पंत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हर जो हार्ट की सर्जरी जहाँ पे होती है जो उत्तर भारत में है उत्तर प्रदेश में वो कहाँ है तो कानपुर में है ठीक है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है कानपुर को कहा जाता है क्यों कहा जाता है कपड़ा अनुसंधान केंद्र के कारण ठीक है तो एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो जाएगा कि, कि कपड़ा अनुसंधान केंद्र पूछेगा या टेक्सटाइल पूछेगा तो कहाँ लगाएंगे कानपुर लगाएंगे ठीक है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है बरेली भारतीय सब्जी अनुसंधान वार, आ, संस्थान कहाँ है तो वाराणसी वाराणसी जो जो पहले वो जो महानगर थे उसमें काशी के नाम से जाना जाता था ठीक है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है झांसी देखिए चारागाह या चारा पूछेगा तो तुरंत झांसी अपने दिमाग में रखिएगा भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान तो ये भदोही है और विंध्याचल मंडल के अंतर्गत आता है किसके अंतर्गत विंध्याचल मंडल और जो विंध्याचल मंडल है उसमें कौन कौन आता है मिर्जापुर सोनभद्र और भदोही ठीक है तो मिर्जापुर में भी आ, कुछ कालीने मिलती हैं लेकिन भदोही को इसका एक प्रौद्योगिकी संस्थान माना गया है भारत भारतीय हटकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है तो वाराणसी में है हथकरघा संस्थान पूछेगा प्रौद्योगिकी तो वाराणसी में है ठीक है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है और ये देखिए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान से हमारा मतलब है जो पालून जो चलते हैं और लकड़ी का खिलौना ये भी बनारस में ही बनता है इस वजह से ठीक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ है लखनऊ में है व्यापारिक सुविधा केंद्र और शिल्प संग्रहण ये भी कहाँ है वाराणसी में है ठीक है अब अभी शिल्प देखिए शिल्प से आ गया ना वो लकड़ी वाला जो मैंने अभी बताया ऊपर बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ है लखनऊ में है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ है नोएडा जी नगर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर कहाँ है कानपुर ये आप लोग याद रखिएगा कानपुर में जितने भी औद्योगिक से रिलेटेड चीजें होंगी वो कहाँ पे हैं कानपुर में हैं उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान कहाँ पे है विश्वविद्यालय कहाँ पे है शैफाई इटावा में है यूपी इंडस्ट्रियल को ऑपरेशन एसोसिएशन लिमिटेड ये कहाँ है तो कानपुर में इंडस्ट्रियल औद्योगिकी की जितने भी टे, टेक्सटाइल ये और सब जो कहाँ पे है कानपुर में है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम वित्तीय निगम कहाँ है लखनऊ ये मैं सोचिए राजधानी हमारा लख, लखनऊ में है तो वो भी लेकिन वो कहाँ है कानपुर में कहाँ है, है? वित्तीय निगम कहाँ पे है कानपुर में है प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम कहाँ है लखनऊ में है उद्यमति विकास संस्थान कहाँ है लखनऊ में है आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र कहाँ पे है तो कन्नौज में है भारत का ग्रास या पूर्व का ग्रास भी इसे कहा जाता है कन्नौज को भारत का ग्रास या पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है और एक बात और याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है इत्र की नगरी तो भी क्या लगाएंगे कन्नौज ही लगाएंगे उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान अभी मैंने ऊपर बताया टेक्सटाइल तो कहाँ पे है कानपुर में है उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निग... निगम लिमिटेड कानपुर अभी मैंने बताया उद्योग से जितने रिलेटेड होंगे प्रौद्योगिक जितने रिलेटेड होंगे कहाँ पे होंगे कानपुर में होंगे निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है राज्य में चमड़ा विकास एवं विवरण निग... निगम निगम लिमिटेड विवरण निगम लिमिटेड कहाँ पे है आगरा में है ठीक है देखिए चमड़ा पूछेगा तो आगरा में पूछेगा और वस्त्र पूछेगा तो कानपुर औद्योगिक पूछेगा तो कानपुर उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड वो कहाँ पे है लखनऊ में है सरकारी चीनी मिट्टी विकास केंद्र कहाँ पर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि चीनी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है चीनी मिट्टी के बने बर्तन कहाँ पाए जाते हैं वो तो कहाँ पाए जाते हैं चुनार व मिर्जा खुर्जा और ये चुनार कहाँ पड़ता है तो चुनार मिर्जापुर में पड़ता है ठीक है उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपण निगम लिमिटेड ये कहाँ है लखनऊ में है हस्त करघा ये कहाँ पे है वाराणसी में हस्तशिल्प ये कहाँ है लखनऊ में है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ है कानपुर में है ये रहा आज का इतना तो अब देखते हैं कल के वीडियो का कुछ कल का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पांच मिनट में ठीक है राज्य का नाम क्या है उत्तर प्रदेश उसको शॉर्ट में यूपी कहते हैं इसकी राजधानी कहाँ है लखनऊ है इसका गठन कब हुआ था चौबीस जनवरी उन्नीस में हुआ था और इसका नामकरण कब हुआ था तो चौबीस जनवरी उन्नीस को हुआ था ठीक है और इसका पहले क्या नाम था यूनाइटेड प्रोविंस का नाम था क्षेत्रफल कितना है चौबीस जीरो, जीरो किलोमीटर स्क्वायर ठीक है इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम लोगों को पाँच मिनट में इसको खत्म करना है और ये पूरे भारत का कितना परसेंट है तो सात दशमलव तीन परसेंट है कितना है सात दशमलव तीन ठीक है जिला कितने हैं तो पचहत्तर जिले हैं प्रशासनिक प्रभाग यानी मंडल कितने हैं तो अट्ठारह हैं जनसंख्या कितनी है तो उन्नीस दशमलव नौ आठ करोड़ I mean, आई मीन बीस करोड़ मान सकते हैं इसको और ये पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है तो सोलह दशमलव पाँच परसेंट है ठीक है और इसमें सिंबल है भारत का जो उसमें तीन गोला है और इसमें तीर धनुष धनुष पे तीर चढ़ा हुआ है और दो मछली और दो सितारे हैं ठीक है राजकीय पशु क्या है बारह सिंह राजकीय पुष्प क्या है पलाश राजकीय पक्षी क्या है सारस या केन राजकीय वृक्ष क्या है अशोक राजकीय खेल क्या है फील्ड हॉकी और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या में कौन से स्थान पे आता है तो पहले स्थान पे आता है और यही पूछ लेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है तो चौथे स्थान पे है ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय परिचय और इसमें देखा था उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था तो सतवां संविधान संशोधन राज्य का नाम उत्तर प्रदेश या वो यूपी और इसका विभाजन कब हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था इसका विभाजन कब हुआ था 9 नवंबर 2000 और 9 नवंबर को तेरह जिले जो तेरह उत्तरी जिले थे उसको कट करके कौन सा राज्य बना तो उत्तराखंड बना कौन सा राज्य बना उत्तराखंड बना ठीक है राष्ट्रीय क्षेत्र में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर जिसको हम लोग कहते हैं एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं तो कितने आते हैं आठ और टोटल उसमें कितने जिले हैं चौबीस कौन कौन से आते हैं मेरठ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर हापुड़ बागपत बुलंदशहर मुजफ्फरपुर सामली और अंतिम में शामिल कौन हुआ है तो शामली अंतिम में शामिल हुआ है ठीक है उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ कौन कौन थे चौधरी चरण सिंह थे और बीपी सिंह थे और चौधरी चरण सिंह कौन से नंबर पे आते हैं पांचवें नंबर पे आते हैं और बीपी सिंह कौन से नंबर पे आते हैं सातवें नंबर पे आते हैं और तेईस दिसंबर को उन किसान दिवस के रूप में बीपी सिंह सॉरी चौधरी चरण सिंह का बर्थडे मनाया जाता है ठीक है या तो किसान दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो चौधरी चरण सिंह जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने थे तो बनारसी दास बने थे और श्रीपति मिश्र बने थे देखिए क्वेश्चन क्या है ऊपर था ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और नीचे क्या है उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने कौन है बनारसी दास और श्रीपति मिश्र अठारवी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है सतीश महाना है कौन है सतीश महाना और ये महाराजगंज से विधायक थे महाराजगंज से महाराजगंज से इन्होंने विधायक लड़ी थी वहां से जीते थे और ये इस वक्त क्या है विधानसभा के अध्यक्ष हैं और विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो चार सौ तीन है या तो पूछ लेगा विधानसभा में कितने सदस्य हैं तो चार सौ तीन सदस्य हैं ठीक और अठारहवी विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है तो सैंतालीस है कितनी है सैतालीस है अठारवी विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है तो कौन है अखिलेश यादव जी हैं राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था 26 फरवरी 1968 और 26 फरवरी अरे सॉरी 25 फरवरी 1968 से लगा था 26 फरवरी उन्नीस तक के लिए लगा था ठीक है एक साल एक दिन के लिए राज्य विधायिका कैसी है तो हमारी राज्य विधायिका द्वि सदनी है ठीक है कैसी है द्वि सदनी है और इसमें कितने कितने सदन है दो सदन है कौन कौन से उच्च सदन और निम्न सदन उच्च सदन एम यानी विधान परिषद निम्न सदन एम यानी विधानसभा ठीक है अभी मैंने ऊपर बताया विधानसभा में सदस्यों की संख्या चार सौ तीन सीटों की संख्या चार सौ तीन तो विधान परिषद में कितने सीट हैं सौ विधान एम एल सी में कितने सीट हैं सौ लोकसभा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं अस्सी लोकसभा की कितनी सीटें हैं अस्सी और अस्सी में सत्रह सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व किए गए हैं तो एससी कास्ट के लिए रिजर्व किए गए हैं ठीक तो है राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है इकतीस सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन बने तो आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी और ये तीन तीन बार बन चुके हैं ठीक है विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है चार सौ तीन विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या चार सौ अभी मैंने ऊपर ही बताया था इसको और विधानसभा को हम निम्न सदन और विधान परिषद को हम लोग उच्च सदन कहते हैं इसी तरह केंद्र में भी होता है निम्न सदन उच्च सदन तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं ठीक है आइए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हम उन्होंने देखा था भारत प्रथम राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था तो कब हुआ था उन्नीस में हुआ था और किस अधिवेशन के तहत हुआ था तो 1935 सरकार भारत सरकार अधिनियम अधिवेशन के तहत हुआ था और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन है उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज है कितने सीट हैं तो बारह सीट हैं और ये पूछ लेगा जनसंख्या में नंबर वन कौन जिला है तो वो है वो भी कौन है प्रयागराज है और ये पूछ लेगा कि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है तो श्रावस्ती ऐसे याद कर लीजिएगा कि जहाँ गौतम जहाँ गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वहाँ के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं ठीक है कम जनसंख्या महोबा और ये देखिए सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला पूछेगा तो श्रावस्ती महोबा चित्रकूट यहाँ पे दो दो विधानसभा सीटें हैं ठीक है राज्य की पहली केंद्रीय जेल कहाँ है तो बरेली में है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह जी राज्य राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी सुचिता कृपलानी बनी थी राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी भारत का पहला भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी कहाँ स्थित है तो लखनऊ में है आज़ादी के बाद राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बने आज़ादी के बाद राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन बने थे तो चंद्रभाल सिंह बने चंद्रभाल जी बने थे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे तो वाल्टर मार्गन थे तो ये है कल का कुछ रिवीजन आप लोग इसको देख लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय